कांग्रेस के सीनियर लीडर और राज्यसभा सांसद ऑस्कर फर्नांडिस का सोमवार को निधन हो गया। 80 साल के ऑस्कर फर्नांडिस लंबे वक्त से बीमार थे और मंगलुरु के अस्पताल में भर्ती थे। इसी साल जुलाई में उनकी ब्रेन सर्जरी भी हुई थी, जिसके बाद से ही वे कोमा में थे। ऑस्कर फर्नांडिस को गांधी परिवार का बेहद करीबी माना जाता था। ऑस्कर यूपीए सरकार में परिवहन, सड़क और राजमार्ग, श्रम और रोजगार, भारत सरकार के केंद्रीय कैबिनेट मंत्री थे और उन्हें राहुल गांधी सहित गांधी परिवार के सबसे करीबी विश्वास पात्रों में से एक माना जाता था। वह अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष भी रहे। वह डॉक्टर मनमोहन सिंह की पहली यूपीए सरकार में AICC महासचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार थे। उन्होंने राजीव गांधी के संसदीय सचिव के रूप में कार्य किया। वह 1980 में कर्नाटका के उडुपी निर्वाचन क्षेत्र से 7वीं लोकसभा के लिए चुने गए थे। वह उसी निर्वाचन क्षेत्र से 1984, 1989, 1991 और 1996 में लोकसभा के लिए फिर से चुने गए। बाद में वह 1998 में राज्यसभा के लिए चुने गए। 2004 में भी उन्हें राज्यसभा के लिए फिर से चुना गया। वह 2004 से 2009 तक केंद्रीय मंत्री भी रहे। उन्होंने सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन, NRI मामले जैसे कई विभागों को संभाला। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स डॉट लाइव को लाइक करें। साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।